सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अभिनव चिराग रावत। ये है नाना जी का घर, ये वाला। बट आपको मुझे ये बताना है कि नाना जी अब जो है वो इस मतलब हमको छोड़कर जा चुके हैं, वो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये हुआ 2 नवंबर 2023 को और आज है 5 नवंबर। हम 2 से 5 यहीं थे, आज हम लोग घर जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी बातें जो मेरे को मम्मी को बतानी है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या था। तभी तो घर जा रहे हैं, घर पहुंच के फिर बताते हैं आराम से। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अब मम्मी से पूछते हैं कि एक्चुअली में नानी जी को हुआ क्या था और कब से उनकी तबीयत खराब थी, तो मम्मी बताएगी। तो मम्मी को कुछ मैसेज भी देना आप लोगों को, आप वो भी सुन लीजिए और फिर बात करेंगे थोड़ी देर बाद ना, पहले मम्मी से सुन लेते हैं। हाँ जी मम्मी, पता है आपको जब 2 नवंबर को जब मैंने बताया था ना पोस्ट किया आज व्लॉग नहीं आ पाएगा, तो बहुत लोगों का मैसेज आ रखा था, आ रखा है मतलब कमेंट कर रखा बहुत लोगों ने। क्या मतलब क्या बोलना है आपका, लोगों को बताना तो है ही। तो पता ही है, दोनों लोग कमेंट में डाल रखा कि नाना जी नहीं रहे हमारे बीच में, और क्या कहते हैं उस पर, उनकी आत्मा के लिए सब प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हुआ क्या था एक्चुअली, तबीयत कब से खराब हुई थी नाना जी की? नाना जी को 1 साल से था, नाना जी को प्रोस्टेट का कैंसर था, तो नाना जी का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद नाना जी को बुखार 2021 में हुआ था ना ऑपरेशन, तो ऐसे ही हुआ था। पर नाना जी की तबीयत तब से ठीक नहीं थी कभी, बता इस बार फरवरी से तो बिल्कुल ही बुखार था, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर लास्ट 2 मंथ में नाना जी का बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन नाना जी की हेल्थ फिर भी चली गई। बस फिर नाना जी नहीं, पता ही है कि नहीं रहे, यही है। और मैं तो सब तो यही कहूँगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पर सबसे बड़ी बात जब नानी को पता नहीं था, उस दिन नाना जी मतलब ऐसे हुआ था कि उस दिन नाना जी वो हुआ था क्या डायलिसिस, नाना जी से नानी जी मिलके गई, तबीयत तो ठीक थी नहीं, पर नाना जी ने नानी ने बोला कि अच्छा मैं डायलिसिस में जा रही हूँ। नानी जी जैसे डायलिसिस में गई, मामा छोड़ने गए उनको, तुझे पता है हफ्ते में 3 बार तो नानी जी का डायलिसिस होता है नानी जी का, तो जैसे छोड़ने गए नाना जी मतलब मामा जी नानी को छोड़ के आए डायलिसिस में, आ ही रहे थे तब मामी ने फ़ोन किया कि नाना जी बेहोश हो गए, तो फिर मामा जी फटाफट आए, फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, तो नहीं रहे, सुबह 7 बजे चले गए थे वो। अब उनकी यादें ही हमारे पास, और क्या कर सकते, नानी है, जब तक नानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मम्मी बताते पहले थोड़ा रोने लग गई थी तो मैंने बंद कर दिया। तो उस दिन मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। मैं यहीं लेटा हुआ था, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लेटा हुआ था, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है खांसी जुकाम बुखार लगा हुआ है। तो मैं लेटा हुआ था, पापा मुझे उठाने आए तो मैं उठ गया था, फिर मैं लेटा हुआ था फिर भी, तो मम्मी को फोन आया नीचे से, तो मम्मी थोड़ा चिल्लाई, मैंने पापा का नाम लिया तो मैं समझ गया, मैं भागा नीचे तो मम्मी रोने लग गई कि ऐसा ऐसा हो गया कि नाना जी जो है अब नहीं रहे और वो चले गए। तो हम लोग पहुंचे वहाँ, जो भी हुआ हम लोग ऐसे निकले 7:30, हम लोग पहुंचे वहाँ 10:30 अराउंड, तब तक नानी जी को लेके आ गए थे घर पे और वो सब क्रिया में मतलब जैसे करते हैं वो कर रखा था। सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पे कि नानी को नहीं पता था कि नानी जी जा चुके हैं, क्योंकि मम्मी ने जैसे बताया कि नानी जाती है डायलिसिस के लिए, तो नानी आई 12:30 बजे। सोचो उसी हॉस्पिटल में नानी का डायलिसिस चल रहा है ऊपर और नानी जी नीचे, क्योंकि नानी जी के एक्सपायर हो गए थे तब तक, नानी को नहीं पता था। तो मेरी बड़ी मामी डायलिसिस वालों के पास जाके बता के आई कि ऐसा ऐसा हो गया, बट अभी इनको मत बताना, पहले इनका डायलिसिस होने दो। तो नानी का पूरा डायलिसिस हुआ, जब नानी को लेके घर आए, होता ही है यार, तुम अपने घर से जब जा रहे हो तो सब ठीक है, घर पे आ रहे हो तो हजारों लोग खड़े हैं और अंदर नानी जी लेटे हुए हैं, हम लोग सब बैठे हुए थे, मम्मी लोग रो रहे थे, मम्मी मौसी दोनों, मामा मामी। तो मामा जी जब लेके आए तो मैंने उस टाइम ये देखा कि एक बेटे के लिए अपनी माँ को बताना कि ऐसा ऐसा हो गया कितना मुश्किल होता है, कि नानी ने जब अंदर घुसी नानी ने बोला कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, तब मामा जी ने बोला कि माँ पिताजी चलिए हमसे छोड़क, मतलब पिताजी हमको छोड़ के चले गए। तो नानी ने सुना नहीं, नानी ने बोले क्या, तब मामा जी ने दोबारा बोला और नानी वहीं पे ब्रेकडाउन वहीं पे। तो नानी का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था ऑब्वियसली, फिर मम्मी लोग भी रोने लग गए थे और संभाल नहीं पा रहे थे वो। तो ये सब हुआ। तो यार नानी जी की तबीयत ना बहुत टाइम से खराब चली रही थी, और आप लोगों को जैसे पता ही है, जो लोग नए हैं इस व्लॉग पे, जो इस व्लॉग को देख रहे होंगे, तो आप लोग अगर पहले के व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जो नए भी जुड़े हैं तो मैं उनको भी बता दूं, मैं आपका थैंक यू भी नहीं बोल सकता हूं, बट मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स देखे हैं, उनका रिप्लाई नहीं किया मैंने, वो बहुत मतलब वो बात है, बिकॉज यार उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि मैं क्या ही कमेंट्स का रिप्लाई करता, बिकॉज मैं खुद भाग रहा था इधर से उधर इधर से। तो ये सिनेरियो था। हम लोग कल आ गए थे, तो अब मम्मी को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हम लोग मम्मी को थोड़ा हंसा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिकॉज यार जो भी हो, चाहे पेरेंट्स की तबीयत खराब हो चाहे ना हो, पेरेंट्स का जाने का दुख होता ही है और हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहता है वो, ये साइकिल है, ये प्रथा, ये चलती आएगी ऐसी। तो मम्मी को बस हंसा रहे थे, आप लोग वो देखोगे आप वीडियो में, तो प्लीज ये मत बोलना कि ऐसा ऐसा हो गया और आप लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो, नहीं, हम लोग बस घर का माहौल जो है वो ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि त्यौहार आ रहा है और हमारा त्यौहार तो है, मतलब मम्मी का मन नहीं है अब
ऑब्वियसली किसी का भी नहीं होगा, बट हम फिर भी मम्मी को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज कमेंट सेक्शन पे ये मत करना कि ऐसा हो गया और आप लोग हंस रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। हमको भी घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको ठीक करना है, हम लोग भी बस मम्मी को मोटिवेट ही कर रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि किसी का भी फोन आता है तो मम्मी रोने लगती है, तो क्या अच्छा नहीं लगता। तो यार कुछ कुछ बातें हैं नाना जी की जो याद आती है, जैसे कि वो मुझे हमेशा बोलते थे जब मैं जॉब करने जा रहा था अपनी पहले जॉब करने, कि बेटा हमेशा अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये अपनी मम्मी को देते रहना, तब चाहे वो खर्च करें या वो संभाले। हर कोई पेरेंट्स संभालते ही है, किसी की बच्चे किसी की पेरेंट्स अपने बच्चे के पैसे संभालते ही है, तो वो मुझे हमेशा ये बोलते थे, बट मैं कभी नहीं करता था, अब मैं करने लगा था। तो जब ये सब करके फिर हम लोग भी गए, हरिद्वार गए थे नाना जी को लेके, 2 बजे करीब तो हम लोग पहुंच गए थे, और फिर वहां पर सब कुछ करके हम लोग जब वापस आए तो बहुत सारी बातें याद आ रही थी कि यार कैसे रहते थे, कैसे मजे करते थे नाना जी और हम लोग, हंसते थे नाना जी को, मैं कभी कभी परेशान करता था नाना जी, और मैं एक सीरियल देखते थे, अब सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो रामायण जो है उनसे रिलेटेड था वो सीरियल, वो मुझे नाना जी दिखाते थे। नाना जी की दी हुई 2 किताबें हैं मेरे पास, जो मैं आपको दिखाने जाता हूँ कौन कौन सी किताबें हैं। तो एक किताब जो दी थी नाना जी ने वो है ये श्रीमद् भगवद गीता। तो ये जो बुक है ये इतनी पुरानी है कि इसमें नाना जी ने लिटरली पेन के निशान भी लगा रखे हैं, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ये देखो पेन के निशान लगे हैं, ये देखो पेन के निशान। तो ये नाना जी सब पढ़ते थे, बट ये कौन से साल की है ये नहीं लिखा है इस पर, बट ये है बहुत पुरानी। एक ये हो गई और एक है ये उत्तराखंड के बारे में, नाना जी हमेशा मुझे बोलते थे कि तेरे को तेरे उत्तराखंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये भी किताब नाना जी ने मुझे दी थी, तो ये भी उन्होंने पढ़ी हुई है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो नाना जी ने दिया हमें, वो है ज्ञान और लोगों की हमेशा हेल्प करना सिखाया, खुद भी करी। वो अपनी जो उनकी पेंशन आती थी उस पेंशन से कुछ अमाउंट जो है वो जहाँ पे गाय रखी जाती है और वहाँ पे देते थे कुछ पैसे, और जो ये जहाँ पे ओल्ड एज होम है वहाँ पे कुछ पैसे डोनेट करते थे, हमेशा करते थे। तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में पैसा आ जाए या पैसा हो, तो चाहे थोड़ा सा भी पैसा है उसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाने में या उनकी किसी की हेल्प करने में इन्वेस्ट करोगे या खर्च कर दोगे ना, तो वो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुमको अंदर से फील अच्छा होगा, तुम करके देखना, मेरा नाम बदल देना अगर ऐसा ना हो तो। तुमने अगर कुछ चीज़ लेनी है, तुमने गाड़ी घोड़ा बाइक या फ़ोन या कुछ भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, वो लेने में तुमको भी खुशी होती है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी वो अचीवमेंट होता है अगर हम कुछ ले लेते हैं ऐसा तो। बट जब ये करते हैं ना तो इसकी खुशी एक अलग होती है, बहुत ही अल्टीमेट खुशी होती है। तो ये सब मैंने चीज़ें नाना जी से सीखी है। फिर जब हम लोग घर आए तो जो मेरी मौसी है उनकी दोनों बेटियाँ भी आ गए थे, एंड वो लिटरली बहुत रोने लग गए थे कि ऑब्वियसली हम सबका नाना जी से बहुत सारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो सभी आ गए थे, उमंग, गिन्नी दीदी, मैं, अंजलि, कनिका और बहुत सारे लोग, हम सब नाती पोते मतलब सब साथ में बैठे हुए थे, तो बात भी कर रहे थे, चीज़ों को याद भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग में आ रही थी कि कैसे करते थे नाना जी के साथ। घूमने जाते थे तो नाना जी हमारे ट्रॉफी लेके आते थे कैंटीन से, जब भी वो सामान लेके आते थे अपने कैंटीन से, तो मज़ा आता था। और कभी भी हम लोग हॉस्टल जाते थे हम में से कोई भी बच्चे, तो नाना जी कुछ ना कुछ देते थे, जैसे सर्फ दे दिया या साबुन दे दिया या रिन साबुन दे दिया या एक क्रांति साबुन आता था पहले, वो देते थे कि क्रांति साबुन ले जाओ इससे कपड़े अच्छे धुलते हैं, और ये बात फैक्ट है। तो ये सब बातें तो याद आ रही है अभी की बातें याद करने में, पर एक चीज़ है, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब इंसान मेहनत कर रहा होता है ना तो सब लोग उसे जल रहे होते हैं, जब वो तरक्की कर रहा होता है सब लोग उसे जल रहे होते हैं, तब कोई उसके पास नहीं आता कि तू कैसा है, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। बट जब इंसान चला जाता है ना तब सब आते हैं उसके पास। जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी चीज़ हम करेंगे इस दुनिया में, वो यही की धरी रह जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने अंदर घमंड मत करो कभी किसी चीज़ का, अपने आप पर गुरूर मत आने दो कि अब तो मैं ये हूँ तो मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करे कहीं भी करे, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कभी भी। मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी के अंदर नहीं आनी चाहिए, ना मेरे अंदर कभी आनी चाहिए ना कभी आएगी, आएगी तो मैं समझूंगा उस चीज़ को, नहीं ये चीज़ हो रहा है तो गलत हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को साथ लेके चलो, ये बात हमेशा नाना जी ने हमको सिखाई कि सब लोगों को साथ लेके चलो, अभी किसी के बारे में बुराई या भलाई, अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है अच्छा कर रहा है, अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपकी गलती है, वो बुरा कर रहे हो आप, अगर आपका टाइम खराब चल रहा है तो ठीक है, टाइम खराब चल रहा है अच्छा भी आ जाएगा, बिल्कुल आए। नाना जी मुझे हमेशा 5-6 महीने से बोलते आ रहे थे कि तेरा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तेरा टाइम खराब चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा भी आएगा, और मुझे पता है कि टाइम अच्छा भी आएगा। तो ये है, बाकी हम लोग कल पहुंच गए थे, आप लोग वो देखोगे। तो बाकी जो आप लोगों ने कमेंट किया था उस पोस्ट पे जो मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट, उन सबका मैं पहले थैंक यू बोल देता हूँ, और इस व्लॉग कहीं पे इसी के साथ ख़त्म करते हैं। और मैं बस ये प्रार्थना करूँगा कि नाना जी की आत्मा को हमें शांति मिले और वो हमेशा खुश रहें जहाँ भी रहें। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि जब भी हम लोग यूट्यूब पर आएँ
आप लोग को पक्का पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर गाइस। और एक बात और, जानवी आ चुकी है के घर पे, कल से जानवी ब्लॉग पे आती है।